वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो इट्स बिन अ मिनट। मैंने एक्चुअली वीडियोज नहीं बनाए, मैंने ब्लॉग्स बनाए ही नहीं बहुत टाइम से। ऑल्दो आई हैव बीन एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, सो अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो सो प्लीज़ फॉलो कीजिए। एंड द थिंग इज, मैंने क्यों नहीं बनाए ब्लॉग्स, आई डोंट नो यार। मतलब मैं एकदम अनमोटिवेटेड थी और फिर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि बनाऊँ किसके बारे में और क्या करूँ। एंड आई थिंक इतना सब कुछ हो रहा था आजू बाजू, आई थिंक आपको कंस्ट्रक्शन भी सुनाई दे रहा होगा। फिलहाल मेरे आजू बाजू बहुत कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, सो मोटिवेशन नहीं था। बट आई हैव डिसाइडेड टू बी बैक एंड आई एम गोइंग टू गेट मोर थिंग्स। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी है, तो हम वो सब भी दिखाने वाली हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आज का ब्लॉग, जो आई थिंक मैंने पिछले साल किया था, मैं वापस से करने वाली हूँ, व्हाट्स इन माय बैग ब्लॉग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई नो इट्स बिन अ मिनट सिंस माय लास्ट ब्लॉग। मैंने एक्चुअली कुछ भी अपलोड नहीं किया था, बट मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछले साल मैंने व्हाट्स इन माय बैग ब्लॉग अपलोड किया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब में मैं सिर्फ वही देखती रहती हूँ और मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। सो आई फिगर्ड कि मेरा बैग पिछले साल से ज़्यादा, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बट मेरा बैग पिछले साल से ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। एंड आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत कुछ ऐड किया है, बहुत कुछ निकाला है, मेरी बहुत कुछ सेम है। सो लेट्स जस्ट डिग इनटू इट एंड सी क्या है। सो पिछले साल के वाला बैग से ही थोड़ा सा अलग है, दिस इज लिटिल टाइनियर एंड स्मॉलर। एंड आई फील कि मुझे छोटे बैग ज़्यादा आई थिंक दे आर मोर कम्फर्टेबल, तो मैं हमेशा ऐसे ऐसे बैग ही ढूंढती रहती हूँ। मैं स्टिल एक हंट पे हूँ, मुझे और एक ढूंढना है, मुझे एक और ख़रीदना है। सो लेट्स होप आई फाइंड इट। सो तो ये बैग बड़ा छोटा सा है और बैरली इसमें कुछ पॉकेट्स है, बट इसमें बहुत सारा सामान आता है। आई शो यू व्हाट ऑल। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये पाउच भी फिट होता है। ये पाउच का नाम है, ये ब्रांड का नाम है वॉन्ट लेस एसेंशियल। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ ताकि आप लोगों को मिले। मैंने टेक्निकली मैंने ख़रीदा नहीं था, मुझे ये गिफ्ट मिला था। एंड अगर आप देख सकेंगे, इसका एक साइड गोल्ड है, एक साइड सिल्वर है। मुझे जेन्युइनली ये बहुत प्रिटी लगा उस चक्कर में। बट इसमें क्या है मैं आपको ये एंड में दिखाऊंगी। इसके अलावा क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेरे बैग में है एक छोटी सी वाटर बॉटल, बिकॉज आई डोंट थिंक बड़ी वाली फिट होने वाली है, सो आई हैव द स्मॉल वन। देन आई हैव अ प्लास्टिक बैग, आई डोंट नो व्हाई, ये रीयूजबल वाला है, वो जिप वाला, पता नहीं क्यों है बट है मेरे बैग में। फिर आई हैव ऑफ कोर्स वेरी नेसेसरी गोप्रो का ये माउंट है, शॉटी बोलते हैं इसको, एंड ये उसका ऑब्वियसली कवर है। करंटली मैं गोप्रो यूज़ करी, तो मैं आपको इसके अंदर वो है नहीं, बट मैंने पर आई गो आउट मोस्टली मैं इसमें ही कैरी करके रखती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा बैटरीज जो मैं फ़िलहाल बैग में नहीं है। फिर मेरे पास है, बिकॉज मैं हमेशा गोप्रो कैरी करना पड़ता है, गोप्रो को चार्ज करने के लिए पावर बैंक चाहिए। पावर बैंक फिलहाल ये रिंग लाइट को सपोर्ट कर रहा था, मैं इसमें बैग में नहीं है, बट आई हैव ये चीज़। तो ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो पावर बैंक इससे चार्ज हो जाता है, भाई बेसिकली गोप्रो ये एंड्रॉयड चार्जर से चार्ज हो जाता है, लेकिन आई हैव अ टाइप सी। तो मेरे पास ये कनेक्टर है जो बेटर है, बेटर देन कैरिंग वायर कॉन्स्टेंटली मेरे हिसाब से। तो मैंने ये कनेक्टर ख़रीद लिया, ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है एंड ये कन्वर्ट हो जाता है टाइप सी में। प्लस मेरे पास ये वाला है एंड मेरे पास एक एंड्रॉयड वाला, सॉरी एक आईफोन का भी है। मेरे पास कोई आईफोन का सामान तो नहीं है, बट स्टिल मेरे पास ये फिट नहीं हो रहा है, जाता तो है। हाँ, मेरे पास आईफोन का भी है, क्यों है मैं नहीं बताऊंगी, बट है मेरे पास आईफोन का भी है। सो ये है वायर है। उसके बाद मेरे पास ये चीज़ मैंने लगाई है बैग में, मैंने सिला है, बिकॉज आई वॉन्टेड लाइक एन एक्स्ट्रा थिंग, मुझे कुछ चाहिए था लटकाने के लिए, रखने के लिए। तो ये है, तो ये बेसिकली है एयरपॉड्स नियो, रियलमी के है ये बेसिकली, एयरपॉड्स ही है, बट दीज आर वंडरफुल आई टेल यू। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, अमेजोन का लिंक, बट ये बहुत अच्छे है। अगर आपको एक्चुअली एयरपॉड चाहिए एंड इतना बजट नहीं, यू डोंट वांट टू स्पेंड लाइक 15-20,000, ये 2500 से 3500 के बीच में है, रेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द ऑफर्स जो चल रहा है अभी फिलहाल, बट दीज आर अमेजिंग ऑनेस्ट टू गॉड। मैं ये पिछले
चार पाँच महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड दीज आर अमेजिंग एंड इसके सेम कवर्स एयरपॉड्स क्यू के ही कवर्स इसमें आते हैं सो इट्स लाइक अ विन विन यू गेट टू बाई कवर्स एंड अगर आपको एयरपॉड्स का भी फील आता है प्लस आपको इतना स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं. ये अभी फ़िलहाल चार्ज है, मैं कनेक्ट नहीं करा हुआ है मेरे फ़ोन से, बट अगर मैंने ब्लूटूथ चालू किया इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएगा. देन आई हैव अ न्यू थिंग, आई हैव अ रिमोट. मैं इतनी खुश हूँ, ये चीज़ मैं डेप्थ में इतना नहीं बताने वाली हूँ एंड प्लस ऑल द गैजेट्स जो मैं यूज़ करती हूँ उसका मैं अलग ब्लॉग बनाने वाली हूँ इसके बाद वो रिलीज होगा. तो ऑल द गैजेट्स जो मेरे पास है उसका तो डेफिनेटली मैं ये आने वाला है, बट दिस इज़ समथिंग जो मेरे बैग में अभी रहता है. ये आप आई थिंक सबको पता है इस चीज़ का, इस पर्टिकुलर बटन का मैं अमेज़ॉन पे लिंक सेंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अमेज़ॉन का जहाँ से मैंने ख़रीदा था. मुझे जेन्युइनली लगा था इसका क्वालिटी गंदा होगा बिकॉज कमेंट्स में मैंने बहुत पढ़ा था कि क्वालिटी गंदा है, बट नहीं है एंड ऑनेस्टली इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है. एक बार अगर आपने पेयर कर लिया आपके फ़ोन के साथ, ब्लूटूथ चालू रखो फिर उसको सिर्फ ऑन एंड ऑफ करो. यहाँ से बटन है ऑन एंड ऑफ का, सो जस्ट हैव टू लाइक क्लिक एंड यहाँ पे लाइट भी देखी. ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में, ये आपको मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी, बट स्टिल ये है एंड दिस इज़ अ न्यू पार्ट जो मैंने बैग में डाला चालू किया, परसों ही आया है, ये बहुत अच्छा है. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. फिर क्या है, ओ सो आई लाइक, जब मैं स्ट्रेस रहती हूँ काफ़ी, मेरे को सुई ये सिलाई का बड़ा शौक है. इतनी खास नहीं हूँ मैं, बट है मुझे शौक. तो मैंने ये छोटा सा वॉलेट बनाया हुआ है, तो उसके अंदर लाइक बेसिक चीज़ें, आपका आधार कार्ड, आपका लाइसेंस, आपका क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दैट बेसिक स्टफ एंड लिटिल कैश एंड ऑल. तो ये इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, मैंने बनाया है एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट. मेरा मन ही नहीं है कोई बाकी दूसरे, बहुत सारे मेरे पास बट मेरा मन नहीं है चेंज करने का. फिर आई हैव अ हैंकी, यू काइंड ऑफ नीड इट, इतनी गर्मी है फिलहाल, यू जस्ट यू नीड इट. मुंबई की गर्मी तो मतलब नेक्स्ट लेवल होती है. फिर ये पेन 2020 के ब्लॉग से 2021 में भी आ गया मेरे साथ. एक्चुअली चांस नहीं मिला मेरे को ज़्यादा लिखने का, बट येस आई हैव इट. मैं एक डायरी भी रखती हूँ इसमें, फ़िलहाल है नहीं बट पॉकेट डायरी वो भी रखती हूँ मैं. फिर ये चश्मे भी वही है, मैंने एक्चुअली दूसरे खरीदे नहीं है अभी तक, मुझे मिले ही नहीं है, मुझे अच्छे भी नहीं लगे. मेरे को अभी भी यही वाले पसंद है. एंड और क्या मेरे बैग में, और क्या है, और कुछ है, और कुछ नहीं है. तो ये बड़ा वाला बैग का तो सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं वॉन्ट लेस एसेंशियल का सामान दिखाती हूँ आपको एग्जैक्टली इसमें है क्या. सो हर चीज़ एकदम थॉटफुल है, एकदम पूरा सोच सोच के रखा हुआ है. तो ये है मिल्क पाउडर. अब पूछोगे मिल्क पाउडर क्यों, तो आई एम एन बिग डॉग लवर एंड अ कैट लवर, इन जनरल एन एनिमल लवर. तो जब मुझे रोड पे हमेशा कोई कुत्ता दिख जाता है, सो आई ऑलवेज हैव वाटर विद मी. पानी तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप 10 रुपये का बॉटल ले लो, ये खोलो सैशे, उसमें डालो, शेक करो, यू हैव इंस्टेंट मिल्क. बिकॉज बहुत बार मैंने रियलाइज़ किया है जब मुझे कोई एनिमल दिखा है जिसको मुझे फीड करना, बिकॉज आई फील कि उसको ज़रूरत है. मेरे आजू बाजू कोई डेयरी नहीं मिली मुझे एंड वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो कभी कभी जानवर भाग जाता है. अगर आप जाओगी आगे आजू बाजू दूध ढूंढने, वो जानवर जा चुका है. तो पानी इस तो वन थिंग जो हम लोग को डेफिनेटली आजू बाजू मिलेगा. तो ये एक मैंने सिर्फ रखा हुआ अपने बैग में, लकीली अब तक ज़रूरत नहीं पड़ी यूज़ करने की, बिकॉज मिल जाता है डेयरी या बिस्किट या कुछ ना कुछ, या पेडिग्री कभी कभी मेरे पास रहता है, ट्रीट्स रहते हैं मेरे बैग में बनी और एंजॉय की वजह से. बट ये एक जस्ट इन केस एमरजेंसी के लिए मैंने रखा हुआ. देन सैनिटाइज़र, ये ही खाली नहीं है, मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे हैं बट फिलहाल ये भी मेरे साथ आ गया. ये बैग में ही रहता है और ये बैग मैं कभी बाहर लेके ही नहीं गई हूँ, इतना मैं बाहर ही नहीं गई हूँ टेक्निकली, तो ये रह गया. तो ये सैनिटाइज़र. देन आई हैव कुकीज़. मुझे आई फील मुझे चक्कर से आने लग जाता है एवरी टाइम आई एम हंगरी एंड हैंगरी इज़ एक्चुअली अ थिंग. आई डू बिकम हैंगरी एंड आई लाइक, बिकॉज मैं छोटे छोटे मील्स खाती हूँ, मैं एक्चुअली बड़े बड़े एक साथ नहीं खाती, मैं अपना पेट इधर तक नहीं भरती हूँ. तो आई लाइक टू हैव समथिंग फॉर मी एंड फॉर माई मम, बिकॉज अपेरेंटली माई मम ऑल्सो गेट्स, मतलब उसको भी हैंगरी हो जाती है, वो भी मतलब ऑनेस्टली. देन सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट. देन आई हैव ऑल माई मेडिसिन, ये सब इसमें लिखा हुआ है क्या क्या मेडिसिन है. जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो यू जस्ट काइंड ऑफ नीड इट. एक्स्ट्रा मास्क, ये मैंने इसे रखा है बाय चांस मैं भूल गई, घूम गया, छोड़ दिया कहीं, या कोई और जिसको ज़रूरत पड़ी इसे, ये खोला ही नहीं मैंने अभी, लकीली इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे.
हैंड क्रीम, एक और बिस्किट बिकॉज ऑफ कोर्स मामा मेरे लिए चाहिए अलग अलग. देन आई हैव दिस लिटिल ये मिंट वाला बॉक्स है जिसमें मैंने एक टैम्पॉन रखा है और प्लास्टिक जिप लॉक रखा है फेंकने के लिए टैम्पॉन यूज़ करने के बाद. परफ्यूम बिकॉज वाई नॉट. देन आई हैव टू लिपस्टिक, टू और या थ्री लिपस्टिक्स एंड लूज पाउडर भी होता है इसमें, फ़िलहाल नहीं रखा है मैंने. एंड लूज पाउडर एंड ब्रश. तो मैं मेकअप कभी भी बाहर से, मतलब अगर बाई चांस इफ आई एम ट्रैवलिंग तो वो अलग अलग से बैग रहेगा उसका, बट इफ़ आई एम नॉट, एक दिन का ही ट्रिप है तो अभी फ़िलहाल तो मैं घर पर, तो लूज पाउडर इसमें रखने की ज़रूरत नहीं. बट इन जनरल सेट करने के लिए ऑयल हो जाता है या बहुत शाइनी हो जाता है पर्टिकुलर जगह तो आपको नहीं चाहिए. तो दी ये ब्रश एकदम सॉर्टेड सा, ये ब्रश एक्चुअली डिसकंटिन्यूड हो गया है मैक की तरफ से. आई थिंक ये मैंने कुछ 1200 का खरीदा था ऐसा कुछ, बट ये डिसकंटिन्यूड हो गया. अगर मुझे कोई दूसरा ऐसा ब्रश मिला ट्रैवल फ्रेंडली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी. ये बी एंड डी के लिप लाइनर्स है, दीज आर अमेजिंग, मतलब दीज हैव चेंज माई लाइफ. इसके भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डालती हूँ, आप लोग देखिए. इसमें बहुत सारे शेड्स हैं बट ये न्यूड से शेड है ये दोनों. सो आई हैव अ पिंक कलर, आई हैव अ ब्राउन कलर एंड प्लस गिर गया. सो पिंक कलर, ब्राउन कलर एंड रेड कलर. सो रेड स्पेशल ओकेजन्स के लिए. सो आई रियली लाइक कॉफ़ी, ओके अपेरेंटली, एंड प्लस मेरे को कार सिक होता है. सो ये तो कार सिक के लिए, और ये मॉम को भी बहुत पसंद है तो ये पल्स है. अच्छा खट्टा खाना चाहिए जब कार सिक होता है. एंड मेरे को कॉफ़ी बहुत पसंद है तो मैं दिन में एक बार पीती ही हूँ. लेकिन बाई चांस अगर मैं बाहर चली गई कहीं तो मैं, और मैं गाड़ी में कहीं जा रही हूँ या सपोज़ फ्लाई कर रही हूँ या कुछ भी है, तो कॉफ़ी नहीं है बेसिकली अगर अवेलेबल. तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, ये कॉफ़ी फ्लेवर कैंडी है. एंड दीज आर ऑनेस्टली लाइक मैंने खाए थे बहुत पहले एंड आई रिमेंबर्ड एंड आई लव देम, एंड उससे फिर मुझे और दे दिए. सो आई हैव लाइक बंच ऑफ दीज मेरे इसमें. बाई चांस अगर मैं भूल गई या कॉफ़ी नहीं लिया है, बिकॉज कॉफ़ी नहीं लेती ना मेरे, मेरे को पता चलता है कि मेरा पूरा मूड चेंज हो जाता है. कॉफ़ी इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट टू मी. उसके अलावा मतलब पता नहीं, वो होता ना एक पर्टिकुलर चीज़ आपको दिन में एक बिगाड़नी नहीं है, तो कॉफ़ी, हैविंग कॉफ़ी वो मेरा एक रूटीन है, वो मुझे बिगाड़ना नहीं है. सो दिस इज़ ऑल दैट आई हैव, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड. दिस इज़ ऑल दैट आई हैव इन माई बैग, ये छोटे से बैग में ये सब कुछ फिट हो जाता है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर व्लॉग. मुझे तो बहुत पसंद है वॉचिंग माई बैग का व्लॉग देखना. आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए एज यूजुअल. एंड आई स्टार्टेड टू पोस्ट मोर व्लॉग्स, मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय.